नमस्कार, एशिया न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं कृतिका। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ शुक्रवार को एक और शिकायत दर्ज की गई है। बाला साहिब बांची शिवसेना की नेता वंदना सुहासा डोंगरे ने यह शिकायत दर्ज कराई है। इसमें कहा गया है कि राहुल गांधी ने स्वतंत्रता सेनानी को बदनाम किया है और उनकी टिप्पणियों से स्थानीय लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। पुलिस ने आईपीसी की धारा 500 और 501 के तहत शिकायत दर्ज की है। इससे पहले गुरुवार यानी 17 नवंबर को वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी का अपमान किया है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। बता दें कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वाशिम जिले में एक रैली में राहुल गांधी ने वीर सावरकर को अंग्रेजों का गुलाम कहा था। उनके इस बयान की तमाम नेताओं ने आलोचना की। रंजीत सावर की शिकायत में ये मांग है कि राहुल गांधी की हर तरह बयान देने के लिए महाराष्ट्र सरकार प्रमुख नाना पटेल पर भी मामला दर्ज किया जाना चाहिए। हालांकि एक पुलिस अधिकारी ने मीडिया को बताया कि अभी तक इस मामले में कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। राहुल गांधी के बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर का अपमान नहीं है। वही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा कि राहुल गांधी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में पूरी तरीके से झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने गुरुवार को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सावरकर पर टिप्पणी करते हुए अंग्रेजों की मदद करने और डर की वजह से क्षमा याचना करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के अकोला जिले के वाडेंगा गांव के एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने 1920 की सरकारी रिकॉर्ड के दस्तावेज दिखाए। उनके मुताबिक इस रिकॉर्ड में दावा किया गया है कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। इस रिकॉर्ड में सावरकर द्वारा अंग्रेजों को लिखा गया एक पत्र भी था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखने के लिए आगे की जानकारी देखते रहिए एशिया न्यूज इंडिया।